नमस्कार, घमासान.com के खास कार्यक्रम दे दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज देश की राजनीति में जो हृदय प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहां पर विधायकों की जो खरीद फरोख चल रही है, उसी बीच एक बड़ा सवाल उठकर सामने आया है। कई कार्यकर्ताओं के फोन मुझ पर आए और उन्होंने कहा कि आखिर हमारी बात कौन करेगा। ये बात सही है कि जिन कार्यकर्ताओं के दम पर नेता बनता है, विधायक, पार्षद और सांसद, वो नेता आखिर कार्यकर्ताओं की भावना को क्यों नहीं समझ पाता। कार्यकर्ताओं का सवाल उठता है कि कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई भी दल का नेता, जब वो पार्टी बदलता है तो क्या वो कार्यकर्ताओं से पूछता है? जब वो चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ताओं से बात करता है, जब वो चुनाव प्रचार पर जाता है तो कार्यकर्ताओं के साथ जाता है, लेकिन जब वो दल बदल देता है तो फिर वह कार्यकर्ताओं से बात नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि कार्यकर्ता की बात नहीं मानते हुए नेता अपने स्वार्थ के लिए बिक जाता है? पता नहीं कितने में बिकते हैं, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, या और कोई डीलिंग करके, किसी पद की डीलिंग करके, मंत्री बनकर, मुख्यमंत्री बनकर, केंद्रीय मंत्री बनकर नेता कार्यकर्ता के सपनों को तोड़ देता है। क्योंकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमसे बिना पूछे, हमसे सलाह लिए आखिर हमारी पार्टी का वो नेता क्यों दल बदल देता है? आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ जाती है कि एन वक्त पर उनको पार्टी बदलना पड़ती है? क्या कारण है कि जब वो कार्यकर्ता से बिना पूछे रातों रात फैसला ले लेता है और किसी भी दल में चला जाता है? कार्यकर्ताओं का एक और कहना है कि कब तक हमारी छाती पर मूंग दलेंगे नेता? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, मतदाताओं के घर तक पर्ची पहुंचाने वाला कार्यकर्ता, मतदाताओं के घर तक जनसंपर्क करने के लिए रात और दिन मेहनत करने वाला कार्यकर्ता अपना कामकाज छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता, जिसे कहते हैं बूथ कार्यकर्ता, हर साल जब भी चुनाव होते हैं तो मतदान केंद्र से लेकर मैदान तक वह कार्यकर्ता दिखाई पड़ता है। अधिकांश कार्यकर्ता तो ऐसे होते हैं जो बाद में जनसंपर्क और चुनाव के अलावा कोई संपर्क नेताओं से नहीं रखते, क्योंकि उनकी जो ईमानदारी है, उनकी जो निष्ठा है, वो नेता और पार्टी के प्रति होती है। लेकिन आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ती है कि कार्यकर्ता से बिना पूछे नेता दल बदल देते हैं? ऐसा कौन सा फैसला करना उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो अपनों के बीच में रहकर भी अपनों से दूर होना चाहते हैं? यही सवाल उठा है। जब भी कोई पार्टी का नेता दूसरे दल में गया है तो उसके कार्यकर्ताओं की स्थिति खराब हो जाती है। जो कार्यकर्ता कल तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ता था, जो कार्यकर्ता कल तक भाजपा के खिलाफ लड़ता था, अब वह उस पार्टी को कैसे अच्छा बताए? कल तक जिसको गद्दार कहते थे, कल तक जिसको विभीषण कहा जाता था, कल तक जिसको भ्रष्टाचारी कहा जाता था, कल तक जिसको बेईमान कहा जाता था, या कल तक जिसको मक्कार कहा जाता था, आज उसको गले लगाना पड़ता है। ये राजनीति में बदले की भावना, ये राजनीति में स्वार्थ की भावना और ये राजनीति में मतलब की भावना आखिर कब समाप्त होगी? क्या कार्यकर्ताओं की इज्जत करना नेता शुरू करेंगे? क्या नेता कार्यकर्ताओं से पूछकर अपने फैसले लेंगे? जब कार्यकर्ताओं के भरोसे वो बड़े पदों पर जाते हैं तो आखिर दल बदलते समय वो कार्यकर्ताओं की बात क्यों नहीं मानते? पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम खुलकर तो बोल नहीं सकते, क्योंकि हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारी बात कभी सुनी नहीं जाती। हमको तो बस भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुलाया जाता है, वोट कबाड़ने के लिए बुलाया जाता है, हमको सिर्फ प्रचार करने के लिए बुलाया जाता है। जब नेता सत्ता में भी आ जाते हैं तब भी अधिकांश कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। कुछ चुनिंदा नेता ऐसे होते हैं जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हमेशा इज्जत करते हैं, उनके सुख और दुख में शामिल होते हैं, लेकिन 70% ऐसे नेता हैं जो अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रख पाते। वो अपने स्वार्थ में लग जाते हैं, वो अपने परिवार वालों को ठेका दिलाने में लग जाते हैं, वो अपने उन ठेकेदार मित्रों से संबंध बढ़ा लेते हैं जो उनको पैसा देते हैं, लेकिन दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता और प्रचार करने वाला कार्यकर्ता आखिर दूर चला जाता है। इस समय जब मध्यप्रदेश में कई विधायक बिक रहे हैं, या यूं कहें कि सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, या यूं कहें कि वो पार्टी बदल रहे हैं, या यूं कहें कि वो अपनी विचारधारा बदल रहे हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता जिसने
उस नेता को नेता बनाया, जिसने उस नेता को मंत्री बन तक पहुंचाया, जिसने उस नेता को देश में पहचान दिलाई, आज वही नेता उस कार्यकर्ता से दूर हो गया है। आखिर फिर वही सवाल जो हम दर्शकों के लिए छोड़ते हैं और पार्टी के उन नेताओं के लिए छोड़ते हैं जिनको विचार करना चाहिए कि कार्यकर्ताओं की छाती पर कब तक मूंग दलेंगे नेता। धन्यवाद, आप देखते रहिए घमासान.com। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.